तो वो अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अगर उसका वैल्यू 3.14 दिया है तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो इसकी टोटल वैल्यू होती है वो 3.14159265 4 वगैरह वगैरह डॉट डॉट डॉट, इसको चाहे जे अंक तक निकालो कभी ख़त्म नहीं होगी, ना तो रिपीट होगी ना ख़त्म होगी, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नो एंडिंग, ऐसे समझ लो। तो ये क्या है, अपरिमेय है। लेकिन अगर इसका वैल्यू कहीं दिया ऐसे ओनली 22/7 तो वो रेशनल नंबर है। और ये रेशनल क्यों है, देखो अगर आप 7 से भाग करोगे 22 में ना, तो ये नहीं आएगा जो कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि भाग देने पे ही आता है, ऐसा नहीं है। ये मान ज्यामिति की सहायता से निकलता है। आप चल के जब पाई का एक बड़ा चैप्टर है, आप कहोगे हर चीज़ का तो यही बता रहे हो, हाँ परमीय परमीय का एक बड़ा चैप्टर है, पाई का भी एक खुद अध्याय है, इसके बारे में अध्ययन करोगे तो बहुत कुछ है। पाई का मान कैसे निकालते हैं, ज्यामिति की सहायता से निकालोगे तो इसका वैल्यू ये आएगा। लेकिन अगर आप पाई का मान 22/7 की सहायता से निकालोगे तो आपको ये मिलेगा 3.14287, हाँ ये मिलेगा। और फिर क्या होगा, ये रिपीट होगा, ये टर्मिनेट भी होगा 1428571 1428571, मतलब पाई वाला वैल्यू क्या होगा, ये टर्मिनेट हो रहा है, देखो इतना लेकर के टर्मिनेट हो रहा है, कहाँ तक, 7 तक, ये बार बार टर्मिनेट होगा। आप कहोगे ये तो टर्मिनेट हो रहा है मतलब रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। आप देख लो हो रहा है ना रिपीट, ऐसे देखते चलो, रिपीट कर रहा ना, ये कर रहा है ना, उधर साइड देख रहे हो कि नहीं, दिख रहा है ना। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लो, ये जो वैल्यू है वो 22/7 से निकाली गई है, ये कुछ अलग आ रही, लेकिन आप ज्यामिति की सहायता से अगर आप गूगल पे पाई का मान सर्च करोगे तो आप देखना भाग देख करके कितना आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा ना, भाग दे के देख लो फिर बताना, अगर कुछ और आएगा तब बता देना कमेंट करके क्या आ रहा है। हाँ आप सबको संतुष्ट करने के लिए मैं एक बात और बता दूँ, अगर आप 22/7 का कैलकुलेशन मोबाइल में करोगे, कैलकुलेटर से करोगे ना, तो इसका मान कितना आएगा पता है, इसका मान 3.14287, हाँ 2857 आएगा। उसके बाद क्या आएगा मैं दिखा दे रहा हूँ, मैंने खुद भाग दिया है, मैं रीजन बता रहा हूँ क्यों आएगा, देखो 7 तक आएगा फिर 1429 आ जाएगा, क्या आएगा 142 और फिर 9 आ जाएगा। आप लोग कहोगे ये तो आपका अलग आ रहा है कैलकुलेटर में भाग देने पे इतना आ रहा है, उतने पे वो ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है कैलकुलेटर में मोबाइल में जो है सेट किया होता है कितने अंक तक ही जाएगा, उसके बाद उसके आगे नहीं जाता है। अब देखो आप कहोगे भाई 1428 57 तो आया है, ठीक है यहाँ तक तो आया है, लेकिन उसके बाद फिर क्या है 142 उसके बाद यहाँ 9 आ गया है, क्या आया है 9 आ गया ना, क्यों आ गया है, क्योंकि आप पढ़े होंगे सार्थक अंक और कोटिमान, तो क्या होता है जब अंतिम अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसको क्या करते हैं, जो अंक रहता है जैसे ये 8 है ना, उसकी जगह पे एक जोड़ करके बढ़ा के लिख देते हैं, इसलिए 9 आ गया, क्योंकि हमें उसी पे एंड करना है, मतलब उसके आगे नहीं ले जाना है। दशमलव के बाद इन्होंने कितना अंक तक ले गए, देखो 3 3 6 ये 9 अंक तक ले गए हैं, दशमलव के बाद 9 अंक तक ले गए हैं। अब मोबाइल वाले बेवकूफ़ नहीं होते कि आपको 25 अंक तक दिखाएंगे, 9-10 अंक तक दिखा दिए, बहुत बड़ा इतना डाटा है। बाकी हम लोग बेवकूफ़ की तरह भाग करें अगर तो अलग बात है, 25 अंक तक आप निकाल लो, इस कारण से ये 9 हो जाता है यहाँ पे, बात समझ में आई ना। तो यानी भाग देने पे भी हमारा जो मोबाइल से है वो भी यही आता है जो यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन मोबाइल में इतना बड़ा डेटा सेव नहीं होता है इसलिए वो 25 अंक तक नहीं दिखाएगा, मोबाइल सिर्फ दशमलव के बाद 9 अंक तक दिखा रहा है, कितने अंक तक 9 अंक तक दिखा रहा है, जबकि मैंने क्या किया दशमलव के बाद 6 6 12 3 18 अंक तक लिखा है, कितने अंक तक लिखा है 18 अंक तक लिखा है। तो याद रखना अगर इसका वैल्यू 3.14 दिया है तो वो इरेशनल है कहीं भी, अगर पाई दिया है तो क्या है इरेशनल है, अगर 22/7 दिया तो रेशनल है यानी परमीय संख्या है। और एक बात सुन लो यहाँ पे, अगर कहीं जी दिया है, आपने देखा होगा स्मॉल जी कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षणीयतांक गुरुत्वाकर्षण वगैरह जो भी होते हैं ना, आप जानते हो सिंबल जो भी होते हैं वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं सभी सिंबल, चाहे वो किसी भी चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं जैसे इसे लेके जड़ तक ना जितने भी सिंबल होते हैं, या फिर जो और अदर टाइप के सिंबल होते हैं सिग्मा गामा बीटा, अगर कहीं आपसे पूछे कि इरेशनल है कि इरेशनल है तो वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर उसका कोई वैल्यू दिया है तो फिर उसके वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसके आधार पे आप उसे डिसाइड करोगे कि रेशनल है कि रेशनल है, बात समझ गए ना। देखो मैंने इधर साइड में भाग भी दिया था, ये नीचे देख लो भाग दिया था ना जो आया था 1428 जो भी है वगैरह वगैरह, देखो भाग देने के बाद यहाँ 1 तक गया था
और वन के बाद में क्या है नीचे, देखो वन आ गया ना, और जब हमने शुरू किया था तो यहाँ भी वन आया था, मतलब भाई यहाँ से घटाया था तो वन ही आया था ना, यानी कहने का मतलब फिर से वही कहानी शुरू हो रही थी यहाँ पे आके, इसलिए मैंने छोड़ दिया, यानी वही नंबर क्या होंगे, रिपीट चलेंगे।